नमस्कार नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू करने को लेकर भारत में लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है इसको लेकर आज बातचीत करेंगे 10 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरीके से बयान आया उन्होंने कहा कि आम चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सी लागू कर दिया जाएगा ताकि राजस्थान से लेकर पश्चिमी बंगाल में जो हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन समुदाय के लोग शरणार्थी बनकर रह रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिल सके यूं तो तीन साल पहले ही लागू होना था लेकिन मुस्लिम संगठनों के विरोध के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका था मुस्लिम संगठनों का कहना था कि कानून में मुसलमानों को भी शामिल किया जाए यानी जो मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से आना चाहते हैं उसे भी भारत की नागरिकता दी जाए लेकिन यदि ऐसा होता तो और मुस्लिम संगठनों की मांग मान ली जाती तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अधिकांश मुसलमान भारत आ जाते पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हालात हैं उससे अधिकांश नागरिक भारत को पसंद करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोग खासकर महिलाएं भारत की तारीफ करते हुए नजर आती है आम पाकिस्तानियों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बहुत तरक्की की है और भारत में रहने वाला मुसलमान शांति और समृद्धि के साथ रह रहा है इसमें कोई दोराय भी नहीं है कि दुनिया के मुस्लिम देशों के मुकाबले में भारत में रहने वाला मुसलमान ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है सीए कानून का मकसद पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यकों को, को भारत की नागरिकता देना है असल में इन तीन तीनों मुस्लिम देशों में हिंदू सिख ईसाई जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों का धर्म के आधार पर बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाना सामने आया है पाकिस्तान में तो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जो हिंदू सिख आदि धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं उनके परिवार की महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख नागरिक भारत आकर बस गए हैं लेकिन ऐसे लाखों नागरिकों को शरणार्थी का जीवन अभी भी जीना पड़ रहा है भारत की नागरिकता नहीं होने की वजह से ऐसे शरणार्थी अपने अधिकारों से भी वंचित हैं और अब जब नागरिकता मिल जाएगी तो भारत में सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उनको मिलने लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार शरणार्थियों की पीड़ा को समझते हुए नागरिकता देने के लिए कानून में संशोधन भी किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को नए कानून के दायरे में लाने की मांग पूरी तरह बेईमानी है क्योंकि इन मुस्लिम देशों में किसी भी मुस्लिम मुसलमान को धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता है पाकिस्तान का जन्म तो मुस्लिम धर्म के आधार पर ही हुआ है ऐसे में किसी मुसलमान को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता भारत के जो मुस्लिम संगठन सी का विरोध कर रहे हैं उन्हें इस कानून की भावना को समझना चाहिए इस नए कानून से भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनेगी यह कानून सिर्फ प्रताड़ित नागरिकों के लिए है कुछ मुस्लिम संगठन बेवजह भारत के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं नए कानून में जब नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है तो फिर मुसलमानों के विरोध का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है यदि प्रताड़ित हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जाती है तो मुसलमानों का विरोध क्या अधिकार है उनको क्या अधिकार है कि वो इसका विरोध करें? जब पाकिस्तान में हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाता तो ऐसे में हिंदू भारत में ही शरण लेंगे और कहा जाएंगे और कहा भी जाता है कि हिंदुस्तान हिंदू हिंदुओं के लिए बसावा देश है जहां पर ज्यादातर हिंदू रहते हैं जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग लगातार अयोध्या से लेकर कन्याकुमारी तक जारी है हिंदुओं के लिए ये इसलिए भी है क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर जाकर हिंदू स्पेशली रह सके मुसलमानों के लिए मुस्लिम मुस्लिम कई देश हैं जहां पर मुस्लिम निवास कर रहे हैं लेकिन ऐसा देश कहीं पर भी विश्व में हिंदुओं के लिए नहीं है तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो भी हिंदू प्रताड़ित हैं वो यहां पर आकर रह सकते हैं ऐसे में इसका विरोध लगातार सामने आ रहा है लेकिन इस इस, विरोध विरोध का इस, इस तरीके का विरोध करना बेमानी है लगातार बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम ऐसी खबरें और स्टोरी लेकर आपके सामने आते रहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस माइल यानी कि पहले माइल स्टोन सिल्वर बटन तक आप लोगों ने पहुंचाया ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए और हम जल्द ही अगले गोल्ड बटन की तरफ बढ़ेंगे आपके सहयोग से अगला अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत